Hi friends, welcome to a quick recipe of 5 minutes to make a yummy and a very healthy starter. तो हम बनाते हैं दही रोल. उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको रोज मिलते रहे. सबसे पहले हम हंग कर्ड लेंगे और फिर उसमें सब मिक्स वेजीज डालेंगे. आप दही को अराउंड 1 घंटा टांग दीजिए या फिर रात में आप उसको एक छन्नी में डाल के नीचे टोपिया रख के फ्रिज में भी रख सकते हो. उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेश जिंजर चिली पेस्ट डाला है जो मैंने घर में ही पीसा था. दैट इज़ बेसिकली इक्वल क्वांटिटीज ऑफ जिंजर एंड चिली, प्लस डिपेंडिंग ऑन द चिली कि वो कितने मिर्ची में है अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट. सॉल्ट, ऑरिगैनो एंड सम चिली फ्लेक्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका फिलिंग रेडी है. आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड कर सकते हो बट मैंने यहाँ पे अवॉइड किया है. अब मैंने यहाँ पे लिया है आटा ब्रेड बिकॉज वाई नॉट व्हेन वी कैन स्विच मैदा विद आटा. ब्रेड को अच्छे से रोल कर लीजिए, उसको थोड़ा सा पानी से डैब भी कर लीजिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और आप अच्छे से रोल कर पाओ. अब आप देख सकते हो एकदम पतला सा रोल हो गया है. अब हम इसमें हमारी फिलिंग डालेंगे. मेक श्योर कि आपका जो हंग कर्ड और ये फिलिंग है ये अच्छे से टाइट हो, वरना आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख दे सकते हो. अब आप देख सकते हो मस्त कैसा बॉल्स बन गया है. और अब मैं आपको एक और शेप बना के दिखाऊंगी. बॉल बनाने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम पानी यूज़ करें. इस शेप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पानी लगा के ब्रेड को सॉफ्ट करें, ऐसे ही आप रोल कर सकते हो. अगर आपका साइज निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हटा लीजिए. देख सकते हैं आप एयर फ्राई करने के बाद क्या मस्त कलर आया है, क्या क्रिस्पी है. सो इट्स अ ज़ीरो ऑयल डिश. जल्दी से बनाइए और अगर रेसिपी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.